संवाददाता जितेंद्र पाठक की रिपोर्ट, जहां 11 केवीए की लाइन नीचे गिरने से चार भैंस आई चपेट में और हुई उनकी मौत। घटना की सूचना के बाद पुलिस, बिजली व स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची मौके पर। भितरवार के अनुभाग भितरवार के बरौवा गांव में गुरुवार की सुबह घटित हुई घटना, जहां 11 केवीए की लाइन को करंट से एक किसान की चार दुधारू भैंसों की मौत हो गई। वहीं अन्य भैंसों को बचाने के चक्कर में करंट लगने से भी किसान भी हुए घायल। वहीं घटना की जानकारी लगने के बाद भितरवार पुलिस, बिजली कर्मचारी, पशु चिकित्सक, चिकित्सक और साथ ही अन्य जन पहुंचे एवं आवश्यक कार्रवाई की पूरी। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की सुबह करीब 8 बजे ग्राम बियोरा निवासी किसान नवल सिंह रावत, पुत्र हरनाम सिंह रावत, रोजाना की तरह अपने मवेशियों को घाटमपुर और बरौवा गांव के बीच पड़ने वाली नरिया के समीप स्थित अपने खेतों पर चरने के लिए ले गए। तभी अचानक खेत के समीप से निकली 11 केवीए की लाइन का एक तार बिजली के खंभे पर लगा इंसुलेटर के टूट जाने के कारण नीचे आ लटका, जिससे नीचे चर रही एक भैंस अटक गई और जोर जोर से रंभाने की आवाज सुनकर अन्य भैंसे वहां पहुंच गई, जिससे तीन भैंसों को और करंट की चपेट में आ गई। जब तक भैंस चरा रहा किसान भैंसों को चित्कार सुन वहां पहुंचा, तब तक चार दुधारू भैंसे अपना दम तोड़ चुकी थी। आपको बता दें कि भैंस भी करंट की चपेट में आने ही वाली थी कि तब तक किसान की लाठी ने उसे खदेड़ दिया। इस दौरान उक्त किसान को भी हाथ में करंट लग गया और वहीं दूर जाकर झटका खाकर वह गिर पड़ा और बेहोश हो गया। आसपास के खेतों में अपने मवेशी चरा रहे अन्य किसानों ने जब उक्त घटना को देखा तो परिवारजनों को और बिजली कंपनी कर्मचारियों को बिजली आपूर्ति सेवा बंद करने की सूचना दी। वहीं घटना की जानकारी लगने के बाद मितरवार पुलिस, बिजली कंपनी के कर्मचारी और पशु चिकित्सक विभाग के चिकित्सक मौके पर पहुंचे और मौके पर ए पंचनामा बनाया गया। बाद मृतक भैंसों का पोस्टमार्टम कराकर आगे की कार्रवाई प्रस्तावित की। वहीं बताया गया कि पिछले 3-4 रोज से बिजली कंपनी के लाइनमैन द्वारा रात्रि के समय पूरे गांव की बिजली आपूर्ति सेवा बंद कर दी जाती है और सुबह 6 बजे बिजली आपूर्ति सेवा दिन में बहाल हो जाती है। वहीं खेतों के पास निकली 11 केवीए की हाई टेंशन लाइन कई वर्षों पुरानी हो चुकी है। साथ ही जगह जगह बिजली के पोल झुक रहे हैं, जरा सी भी हवा चलने पर तार आपस में टकराने लगते हैं, जिससे खेत में आए दिन बिजली गिरने के केस सामने आते हैं और तमाम तरह की घटनाएं भी उत्पन्न होती हैं। इसके संबंध में कई बार लाइन को बदलने के लिए कहा गया, लेकिन बिजली कंपनी के अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा जगह जगह से टूटी जर्जर लाइनों को बदलने का काम नहीं किया गया। दूध बेचकर हो रहा था परिवार का भरण पोषण। 11 केवीए की लाइन के करंट से जहां चार दुधारू भैंसों की मौत हो गई, उक्त घटना से संबंधित पीड़ित किसान पूरी तरह से आहत है, क्योंकि उक्त किसान के परिवार का दैनिक घरेलू खर्चा भैंसों से ही निकले दूध से विक्रय से चलता था, क्योंकि प्रत्येक भैंस दिन में 6 से 7 लीटर दूध देती थी, जिससे वह बाजार में विक्रय कर कुछ पैसे अर्जित करता था। करंट लगने से भैंसों की मौत हो गई और उक्त किसान पर पूरा परिवार का भरण पोषण करने का संकट उत्पन्न हो गया। वहीं मौके पर पहुंचे पशु चिकित्सक के खंड चिकित्साधिकारी डॉक्टर बीएल सोनी ने पीड़ित किसान को बिजली कंपनी से जल्द ही भैंसों की क्षतिपूर्ति दिलवाने जाने का कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। वंदे भारत न्यूज की खास रिपोर्ट, जितेंद्र पाठक की खबर। कौन से गांव के हो? ये क्या घटना हो गई है? बड़ी लाइन का सामने भैंस चरा रहा था मवेशी, तो उसमें क्या घटना में क्या हो गया है? चार भैंस मर चुकी। आपकी? आप तो सब दूध देती थी? सर दूध वाली मेरी। तो आपको भी आपने बचाने का प्रयास किया था? हाँ करिया साहब, करंट लग गया मैं गहरू उसमें। जी सूचना दे दी है बिजली विभाग को?